सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आस करता हूं आप बढ़िया होंगे। रेडी हैं आप लोग? आज वो दिन है जब हम, वो मौका है जब हम एक एग्जामिनर कैसे लिखता है, वो राइटिंग को किस नजरिए से देखता है, उसके एक सैंपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, देखेंगे कि वो कैसे राइटिंग को देखते हैं, हमारे नजरिए में और उनके नजरिए में क्या डिफरेंस है, हाउ वी व्यू राइटिंग, हाउ दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट राइटिंग। आई हैव कम अप विद अ टॉपिक फॉर टास्क टू, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दिस सैंपल हैज ब्लोन माई माइंड। यू नो हाउ दिस पर्सन, हाउ दिस IELTS ट्रेनर एंड एग्जामिनर हैज रिटन सो वेल एंड सो वेल विद सिंपल लैंग्वेज and with a great task response. I would say this task is worth a band 8 or 9. चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है जी, देखते हैं। यूनिवर्सल लिटरेरी आर्टिकल, आप अक्सर पूछते हैं, यू हेलो, जब स्टूडेंट नए आते हैं तो मैंने कहा आज फुल फॉर्म जो है उसको लिख देते हैं। सो देखते हैं, सम पीपल बिलीव दैट, स्टेटमेंट क्या है, सम पीपल बिलीव दैट, लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है, nowadays, आजकल, we have too many choices, देखो TOO वाला है, मतलब बहुत ज्यादा। जब ये टू आता है तो एक चीज हमेशा याद रखा करो कि इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में जरूरत से ज्यादा होता है। ठीक है जी, जरूरत से ज्यादा होता है इसका मीनिंग, जितना चाहिए उससे ज्यादा होता है। ठीक है जी, उससे ज्यादा होता है। टू मैनी चॉइसेस, टू मैनी चॉइसेस, हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, मतलब जरूरत से भी ज्यादा हैं। और हमें क्या दिया है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो पूरा का पूरा सैंपल डिस्कस करूंगा, कैसे एग्जामिनर, कैसे एक IELTS ट्रेनर IELTS के राइटिंग डिस्क्रिप्टर्स को ध्यान में रख के अपनी राइटिंग लिखता है और कैसे वो अपने राइटिंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है विद सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड विद गुड ग्रामेटिकल रेंज एंड अलोंग विद आई वुड से वेरी गुड स्ट्रक्चर्स इन देयर IELTS राइटिंग। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। स्टेटमेंट को दोबारा समझ लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास आज टू मैनी चॉइसेस है। चॉइसेस माने हमारे पास बहुत सारे options है, we have a range of options to choose from. So क्या होता है, most of the time जब हम देखते हैं, हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, whenever we you know go into a shop and we present what we want, and what does the shopkeeper do at that time, he gives us a wide range of alternatives, wide range of choices. ठीक है जी, हमें choices देता है, options देता है हमें कि ये देखो इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें आपको ये मिल जाएगा, इस रेट में आपको ये मिल जाएगा, इसमें price variation है, इस price में आपको ये product मिल जाएगा। So वो उसके साथ agree और disagree करने का मतलब क्या है कि हम अगर agree हो रहे हैं कि yes हम agree हो रहे हैं, I agree, तो उसका meaning क्या है कि आप इस बात से agree हो कि आज हमारे पास too many choices है। लेकिन आप disagree हो रहे हो तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि choices limited हैं। This is what we understand from the question. ठीक है जी, एक बार आप फिर से स्टेटमेंट को चेक कर लो। ठीक है जी, स्टेटमेंट को चेक कर लो कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। Some people believe that nowadays we have too many choices. To what extent do you agree or disagree with this statement? तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि balanced approach बहुत easy होती है। Balanced approach में क्या हो जाता है, balanced approach में आप एक साइड को थोड़ा सा एक्नॉलेज करते हो, थोड़ा सा बताते हो उसके बारे में, लेकिन जो वाइडर पार्ट है, ठीक है जी, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाते हो। प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक साइड जाते हो तो आपके पास कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाते हैं। यू डोंट गेट दैट मेनी आर्ग्यूमेंट्स इन एग्जामिनेशन, क्योंकि पहले तो दिमाग पर प्रेशर और ज्यादा होता है, और उससे बाद क्या होता है, उसके बाद आप भूल जाते हो कि इसमें कौन सी बात आती है, इसको कैसे जस्टिफाई करूं। यू गेट कंफ्यूज्ड, यू गेट पजल्ड ओवर देयर। इन ऑर्डर टू ओवरकम सच नेगेटिव, सच यू नो आई वुड से जो भी है, इनको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
समझना पड़ेगा इस बात को कि बैलेंस्ड अप्रोच मेरे लिए बहुत ईजी है। सो वही देखते हैं, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने बैलेंस्ड अप्रोच में लिखा है, देखते हैं ये क्या कैसे लिख रहा है। चलो देखते हैं भाई साहब ने क्या लिखा है हमारे लिए। ये देखो, इट इज ऑफन सेड दैट, अक्सर ये कहा जाता है, ठीक है जी, सम पीपल की जगह पर उसने क्या दिया, इट इज ऑफन सेड दैट मॉडर्न लाइफ presents us with an overwhelming number of choices. What a beautiful paraphrase. तो कहता आज की जो मॉडर्न लाइफ है ये हमें क्या देती है, क्या प्रेजेंट किया है इस मॉडर्न लाइफ ने हमारे सामने, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस। रियली सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी खांसी हो रखी है, ठीक है जी। ओके तो अस अब क्या है, एक चीज ध्यान में रखो, अब ये फर्स्ट पर्सन वॉइस है। आप अक्सर, आपको कहते हैं आपके जो ट्रेनर्स हैं, जो मेरे भाई बहन पढ़ा रहे हैं, वो अक्सर कहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करने। क्यों नहीं करने, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं आज। पर्सनल प्रोनाउंस तब यूज करो जब उनकी जरूरत है। आयल्स राइटिंग में दो वॉइसेस ही काम आती हैं, फर्स्ट पर्सन वॉइस एंड थर्ड पर्सन वॉइस। थर्ड पर्सन वॉइस मतलब लोगों की बात जब आप करते हो, पब्लिक की बात करते हो, इंडिविजुअल्स की बात करते हो, वो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन वॉइस। पब्लिक और इंडिविजुअल्स की बात चलती है, ठीक है जी, इंडिविजुअल्स की बात चलती है तब पब्लिक और इंडिविजुअल्स। सॉरी आज मैं लाइव चैट में थोड़ा सा नहीं इन्वॉल्व हो रहा हूं, ठीक है जी। आज मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ाने आया हूं, टॉपिक पढ़ाकर ही बस ये खत्म हो जाएगा, जो क्वेरीज है वो किसी और दिन सुन लेंगे आपकी, ठीक है। So that we remain focused to the topic. So don't waste your time writing down something in live chat. अगर कोई ऐसी query डालनी है तो वो important है, अगर डाल सकते हो, otherwise don't waste your time. Okay? So public individuals, ये third person voice है. First person voice क्या होती है, I, me, we, us. तो अब ये देखो first person voice का use किया है। कभी भी सेकंड पर्सन वॉइस को यूज नहीं करना अपनी राइटिंग में। सेकंड पर्सन वॉइस क्या होती है, यू। तो कभी भी आयल्स राइटिंग में सेकंड पर्सन मत यूज करना, क्योंकि ये ऑकवर्डनेस बढ़ाती है आपके एग्जाम में, आपके टास्क में, ये ऑकवर्डनेस बढ़ाती है। यू, यू की बात नहीं करनी है, ये एग्जामिनर के बारे में नहीं है, या तो ये आपके बारे में है या फिर लोगों के बारे में। इट्स नॉट अबाउट द एग्जामिनर। सेकंड पर्सन वॉइस जो बंदा इसको रीड कर रहा है। सो आई होप आई एम क्लियर विद माय पॉइंट कि आपको कौन सी वॉइस यूज करनी है। पर्सनल प्रोनाउंस का कोई चक्कर नहीं है, सारा वॉइस का चक्कर है बस। तो वो समझ लिया तो बस सब समझ लिया, ठीक है जी। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता अक्सर ये कहा जाता है, सम पीपल बिलीव दैट, तो उसको उसने क्या लिख दिया, इट इज ऑफन सेड दैट, अक्सर ये बात कही जाती है हमें। क्या कहा जाता है हमें कि हमारे पास ओवरवेलमिंग नंबर, ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा, जिसे टू मैनी ऑप्शंस कहा था उसने कहा ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस। अब एक बात मैं आपसे पूछूं कि अब चॉइसेस का सिनोनिम ढूंढने बैठोगे, नहीं। देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, देखो आयल्स एक्सपर्ट ट्रेनर क्या कर रहा है, देखो हमें भी एक्सपर्ट बनना है तो हमें भी उनसे सीखना पड़ेगा। द बेस्ट एजुकेशन इज दैट यू वॉच मास्टर्स एट वर्क। आपको कोई भी बंदा सिखाने के लिए वहां पे इसलिए नहीं आएगा कि ऐसा करो, आपको उनको देख के ही सीखना पड़ेगा। सो आई एम लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग, वी बोथ आर कंपेनियंस, ठीक है जी, ऑन द सेम जर्नी, वी बोथ आर कंपेनियंस टू ईच अदर इन दिस जर्नी। नाउ दिस ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है, आई कंप्लीटली अग्री, ठीक है जी, क्या कह रहा है, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस, मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत हूं, बैलेंस्ड अप्रोच में नहीं गया, ठीक है जी। एंड आई बिलीव दैट द इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन आर टू मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। ये होता है कंप्लीट थीसिस, ये होता है कंप्लीट थीसिस। आप क्या करते हो, आप सिर्फ अग्री क्या के कह देते हो, आई विल डिस्कस माय ओपिनियन इन फर्दर पैराग्राफ्स, लेकिन एग्जामिनर एक्सपर्ट बंदे यहां पे ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो कई बार टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप अगर एक साइड चले जाओ, एक साइड अग्री हो जाओ, डिसएग्री हो जाओ, वो ज्यादा इजी रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक साइड जाना मुश्किल लग रहा है, फिर उसके लिए तो मैंने पहले ही आपको प्रो टिप दे दिया। वो प्रो टिप यही है कि आप बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करो। इसमें भी बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती थी, इसमें अगर बैलेंस्ड अप्रोच में मुझे जाना होता तो इस ये चीज मत मानो कि अगर मैं एक साइड जाऊंगा तो मेरा बैंड स्कोर बढ़ जाएगा। एक साइड जाने में बैंड स्कोर नहीं रखा है,
आप उस अपनी पोजीशन को कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं, दैट रियली मैटर्स. वो डिसाइड करेगा कि आपका बैंड स्कोर क्या होगा. ठीक है जी, आप, मैं समझता हूं कि इस बात को आप क्लियर कर रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं. देखो, ये नहीं है कि अगर आप बैलेंस अप्रोच जाओगे तो आपका बैंड स्कोर बढ़िया आ जाएगा. नहीं, उसमें भी दिक्कत है. कई स्टूडेंट्स नहीं जा सकते तो उनके लिए बैलेंस अप्रोच नहीं है. लेकिन जो बच्चे एक साइड नहीं जाना चाहते, उन्हें डर लगता है कि पॉइंट्स जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए बैलेंस्ड अप्रोच है. सो यू शुड फिगर आउट कि आपके लिए क्या सही है. तो मैं तो दोनों ही डिस्कस करने के लिए तैयार हूं. नाउ इन दिस केस द एग्जामिनर इज कंप्लीटली अग्री. ठीक है, वो कंप्लीटली अग्री है इसके साथ. और उसने दो फैक्टर दिए हैं, एक तो इंटरनेट, ठीक है जी, एक इंटरनेट और एक क्या दिया है, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, क्या होती है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर ग्लोबलाइज्ड विद एवरीडे. लोग अब जुड़ते जा रहे हैं. पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड विद ईच अदर देन एवर बिफोर. ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं और इंटरनेट इसमें एक फैक्टर है जिसके कारण हमारे पास वी हैव टू मैनी चॉइसेस. अब बात तो सही है, बात तो सही है. अब जहां कोई भी प्रोडक्ट देखने जाओ, कहीं भी चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, ठीक है जी, क्या हो रहा है कि आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं. जैसे अब बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो जैसे मैं बता रहा था कि वर्ल्ड जो है पहले से बहुत पास आ रहा है. नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. ग्लोबल विलेज बन चुका है, इसको ये समझ लो बस. वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, मतलब आप अमेरिका के प्रोडक्ट्स इंडिया में मंगवा सकते हो, इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिका में भेज सकते हो. दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. जो व्यापार है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आज, दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबलाइजेशन. तो वो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिनन है. तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है. देखो, कोई इसमें टफ वोकैबुलरी नहीं यूज करी, कोई कुछ नहीं करा उसने, बहुत सिंपल सी राइटिंग है और मैं उसी को अप्रिशिएट करता हूँ शुरू से, ठीक है. क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप वोकैबुलरी डालते हो अपने टास्क में तो बहुत उलझन पैदा कर देते हो. तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस पे. कहता है इट इज अनडिनायबल. अनडिनायबल वो बात होती है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते उस बात को, उसको इनकार नहीं कर सकते उस बात से. इररिफ्यूटेबल भी कह सकते हो. इट इज अनडिनायबल दैट द इंटरनेट हैज लेड टू अ ड्रामेटिक एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू अस. ठीक है, अब इंटरनेट की बात करेगा. उसने दो reasons choose कर लिए. इंटरनेट को फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देगा, ग्लोबलाइजेशन को सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देगा. अब आइडिया डेवलपमेंट कहां से आएगा, ये रहा आइडिया डेवलपमेंट. टॉपिक सेंटेंस दिया, शुरू की उसने अपनी बात. कहता ये बात डिनाई की नहीं जा सकती कि इंटरनेट ने एक ड्रामेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ, मतलब बढ़ावा लेकर आया है. ड्रामेटिक मतलब बहुत ज्यादा, कंसिडरेबल. किसमें, इन नंबर ऑफ चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू अस. ठीक है, अच्छे से समझ आती है ये बात. इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि लैंग्वेज सिंपल है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ बैंड टास्क, अ बैंड एट राइटिंग टास्क टू. ओके, द नंबर ऑफ ऑनलाइन मीडिया ऑप्शंस फॉर इंस्टांस इज नाउ ऑलमोस्ट एंडलेस. तो अब उसने ओवरवेलमिंग को क्या लिख दिया, एंडलेस. देयर आर काउंटलेस वेबसाइट्स ऑफरिंग एंटरटेनमेंट, न्यूज, वीडियोज ऑन डिमांड, टीवी एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग, मैनी ऑफ विच आर फ्री. तो अब उसने अपनी बात करनी शुरू कर दी कि देखो ऑनलाइन मीडिया की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट की बात करूं, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स दी उसने हमें, ठीक है जी, इंटरनेट न्यूज में वगैरह वगैरह करके उसने एग्जाम्पल्स दी कि इसमें हमारे पास काउंटलेस ऑप्शन है, काउंटलेस वेबसाइट है जो हर एक जरूरत के लिए उस चीज को ऑफर कर रहे हैं. आगे क्या कहता है, वी आई वुड आर्ग्यू दैट दिस अबंडेंस, अबंडेंस होता है बहुत बड़ी मात्रा, बहुत ज्यादा होना वो चीज. दिस अबंडेंस ऑफ मीडिया लीड्स टू अ कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द एवरेज यूजर. तो ये क्या करता है उसने अपनी, तो मैं कहता ये जो अबंडेंस दी जा रही है मीडिया की तरफ से, ये बायर के पार्ट में, एक एवरेज यूजर के पार्ट में कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ऑब्वियसली बंदा कंफ्यूज हो जाता है. घर से एक चीज लेने निकलता है तो दुकानदार उसको इतने ऑप्शंस देता है कि बंदा पांच चीजें घर पे लेकर आता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता तो बता दो जल्दी से. ठीक है, आप एक चीज लेने जाते हो दुकानदार से, ठीक है, आप घर तीन लेकर लौटते हो. क्यों, ऑप्शंस ही इतने ज्यादा है. जो चीज आपको चाहिए, वो जो चीज चाहिए जिसमें चाहिए वो आपको सबको अवेलेबल मिलेगी. तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होती है.
कहता एज वी हैव टू मेक सो मेनी डिसीजंस अबाउट द कंटेंट दैट वी कंज्यूम. बात भी सही है. जैसे मैं खुद की एग्जांपल हूं, मैंने पहले नेटफ्लिक्स के बारे में बहुत सुना था, जब तब नेटफ्लिक्स चला था. मैंने 3-4 साल तो इग्नोर ही किया इसको. मैंने कहा यार क्या करना है नेटफ्लिक्स का, क्यों अमेज़न प्राइम वीडियो खरीदना है. तो लेकिन जब थोड़ा सा टाइम हुआ मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अब मुझे पता ही नहीं चलता क्या देखूं, इतने सारे शोज हैं, कौन सा पिक करूं. तो फिर दोस्तों से पूछना पड़ता है, अरे यार तुमने ये वेब सीरीज देखी है, वो बताएगा हाँ देखी है यार, अच्छी है, ठीक है देख ली, मैंने भी देख ली. दूसरी वेब सीरीज, अरे ये मूवी अच्छी है नेटफ्लिक्स पे, अरे नहीं ये तो बेकार है, अरे इसको छोड़ दो टाइम वेस्ट होगा. तो मैं क्या हो गया वहां पे, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर मी, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट जो मैं कंज्यूम करता हूं उसके बारे में मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं. सो दैट व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, वो अब अपने आइडियाज को एक्सटेंड करते जा रहा है, अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है. ठीक है जी. अ पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रेंड वुड बी द फैक्ट दैट आई हैड अ चॉइस ऑफ जस्ट 4 TV चैनल्स. अब बहुत से ट्रेनर्स कहते हैं कि सर तो मैं हूं, ठीक है. वो ट्रेनर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं पर्सनल एग्जांपल्स नहीं डालनी. तो ये देखो डाली हुई है, एग्जामिनर है ये बंदा, ट्रेनर है ये बंदा, अपने बहुत बड़े लेवल पे है ये. तो ये कैसे देखते हैं राइटिंग को, तो कहता हाँ अ पर्सनल एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेंड वुड बी द फैक्ट, फैक्ट मतलब जो उस घटना उसके साथ हुई बताएगा, फैक्ट मतलब सच. I had a choice of just 4 TV channel when I was a child, comma. कहता मेरे पास सिर्फ 4 TV channels थे, whereas I now have access to thousands of films and series through services like Netflix. तो मेरी बात पे आ गया, ये तो इसने मेरी बात को ही ट्रांसलेट कर दिया. इसने क्या कहा मुझसे, इसने कहा कि एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं मंजो तुमको, वो क्या थी कि जब मैं छोटा था मेरे पास सिर्फ 4 TV channels थे, लेकिन अब दोस्त मेरे पास क्या है, अब मेरे पास कितने चैनल्स हैं, कहता थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स एंड सीरीज थ्रू सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स. ठीक है जी. तो अब अपने उस पॉइंट का एग्जांपल देके रिजल्ट निकाल दिया. सो दिस व्हाट यू नीड टू डू इन योर राइटिंग, पहले अपना आइडिया लो, आइडिया को एक्सटेंड करो. आइडिया में भी उसने काफी सारे एग्जांपल्स दिए और फिर पर्सनल एग्जांपल देके उसने अपने आइडिया को जस्टिफाई करा. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड बॉडी पैराग्राफ. आई होप यू आर क्लियर विद फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है, ठीक है ओके. दूसरे पेज पे चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको पढ़ लेंगे. कहता अलोंग साइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की इन्फ्लुएंस के साथ अलॉन्ग साइड जो इसका प्रभाव है, जो इसका रोल है बेसिकली, उसके साथ ग्लोबलाइजेशन. तो जैसे मैंने कहा था ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इज मेकिंग द वर्ल्ड स्मॉलर. तो ग्लोबलाइजेशन का भी मीनिंग इसने क्लियर कर दिया. ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड को स्मॉल बना रही जा रही है. जैसे मैंने अभी कहा अमेरिका में बैठे इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करो, इंडिया में बैठे अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाय करो. द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग. लो पहले होता था अरे अमेरिका से आ रहा है बंदा, अच्छा अमेरिका से आ रहा है, लेकिन आज क्या होता है, अरे कैनेडा में, कैनेडा से आया है और क्या, 18 घंटे की फ्लाइट है बस. क्या हो गया वर्ल्ड, स्मॉल हो गया वर्ल्ड. द वर्ल्ड मेकिंग द वर्ल्ड स्मॉलर एंड कंपाउंडिंग दिस प्रॉब्लम टू मच चॉइस. इस प्रॉब्लम को कंपाउंड कर रही है, कंपाउंड मतलब इंक्रीज कर रही है, इसको सीरियस बना रही है. चीप इंटरनेशनल फ्लाइट्स, देखा क्या कहा था मैंने, मेरी सारी बात नाले. मैंने ये सैंपल पहले कभी करवाया नहीं है, बस जस्ट अभी फ्रेश डाउनलोड करा, देखा एग्जामिनर कैसे लिखता है. ठीक है जी. मैं ये मेरा खुद का लिखा नहीं हुआ है, मैं ऐसी राइटिंग कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि अपनी राइटिंग ऐसे करूं. जैसे मैनी ऑफ यू हैव एडमायर्ड मी, हैव अप्रिशिएटेड मी, कि सर आपकी राइटिंग काफी सिंपल सुबर होती है, तो वो कहां से आ रही है, उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, ये है उसका सोर्स. जो बंदे ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपर्ट है, अब जो बात मैं 50 साल की उम्र में जाके सीखूंगा, 23 साल में मैं कैसे सीख सकता हूं, अगर मैं उस 50 साल वाले बंदे से उसके 30-40 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ दे लूं, उसने क्या निचोड़ निकाला कि देखो मंजोत राइटिंग में सिंपल. अब भी जब आयल्स ट्रेनर से जो बाहर है उनसे बात होती है, उनसे कम्युनिकेट करता हूं, तो वो एक चीज कहते हैं कि आप बहुत आगे जा रहे हो, ये चीज जो हमने इतने एक्सपीरियंसेस के बाद लर्न करी आप में वो पहले से ही है.
तो थोड़ी सी मतलब आपको पता है ना, आई एम ब्रैगिंग, थोड़ी सी फुकरी मारने की आदत है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो उनसे सीखने का मतलब यही है कि सिंपलिसिटी इज द की। अगर राइटिंग में इजिली बैंड स्कोर लेने हैं, राइटिंग को सिंपल रखो, क्लियर रखो, आइडियाज को एक्सटेंड करो, जैसे उसने ऊपर किया, ठीक है। तो कहता ए चीप इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव मेड ओवरसीज ट्रैवल पॉसिबल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है जी, मिलियंस ऑफ पीपल के लिए उसने क्या कर दी है, ओवरसीज ट्रैवल पॉसिबल कर दी है लाखों लोगों के लिए, लाखों ही लोगों के लिए, ठीक है। मिलियंस मुझे लगता है करोड़ों में चले जाएगा, 1,000,010,00,000 होता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ की तरफ और कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल, बट दिस ऑल्सो मीन्स, लेकिन कहता है इसका ये मतलब भी है, बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट वी आर फेस्ड विद अ वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस व्हेन डिसाइडिंग वेयर टू गो ऑन हॉलीडे और इवन वेयर टू लिव। देखो चॉइसेस की बात कर रहा था, दो पॉइंट उठाए हमारे मित्र ने, एक इंटरनेट, एक ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में इसने ट्रैवल को चूज करा।